दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने बनाई थी जो एचपी ने सबसे लाइटेस्ट लैपटॉप एरो सीरीज में लॉन्च किया था, राइजन 5 7000 की सीरीज के साथ। उसी का एक वर्जन और है राइजन 7 7000 सीरीज के साथ। तो आज हम उस मॉडल की वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो पहले वाले से भी अपग्रेड है। और हाँ, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, हम उस लैपटॉप को भी फिजिकली आपको ओपन करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे भी जो नए नए एचपी के या किसी भी कंपनी के लैपटॉप आएंगे, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका लैपटॉप का रिव्यू करें और उसको फिजिकली ओपन करके भी दिखाएं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दो नए लैपटॉप। देखिए, एचपी ने जैसे राइजन 5 में तीन वर्जन लॉन्च किए थे, बीई 2055 AU 2056, ऐसे ही एचपी ने राइजन 7 में भी तीन वेरिएंट लॉन्च किए हैं। तीनों में सिर्फ कलर का डिफरेंस है। मैं आपको मॉडल नंबर बता देता हूं। एक है बीई 4 6 AU, बीई 2047 AU और बीई 2048 AU। इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। जो सबसे पहला 46AU है वो आता है रोज गोल्ड के साथ, 2047AU मॉडल है वो आता है वांग गोल्ड के साथ, और तीसरा 2048AU जो सबसे पॉपुलर मॉडल नेचुरल सिल्वर कलर के साथ, क्योंकि नेचुरल सिल्वर सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको दोनों की, तीनों लैपटॉप की कॉन्फिगरेशन। तीनों की सेम है, लेकिन आज हमारे पास दो लैपटॉप है, आपको दिखाते हैं ये दोनों लैपटॉप है। तीसरा अभी हमारे पास आया नहीं है, आज हम इन दोनों मॉडल्स में एक की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आज पिछला हमने कलर चूज किया था नेचुरल सिल्वर, आज हम चूज करेंगे रोज गोल्ड। रोज गोल्ड की ओपनिंग करते हैं आज हम। तो दोस्तों, लैपटॉप हमने ओपन कर लिया है, देखते हैं लैपटॉप के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं पावर कोड, प्रीमियम पावर कोड आती है, 65 वाट का अडेप्टर मिलता है आपको इसमें, और ये आपका है लैपटॉप। देखिए, जब आप ये लैपटॉप हाथ में लेंगे आपको तभी पता चल जाएगा इसका वेट, बहुत ही लाइट वेट है, सिर्फ 970 ग्राम का ये लैपटॉप है जो एचपी ने बनाया है। ये वर्ल्ड का लाइटेस्ट लैपटॉप है। अगर मैं इसकी फिनिशिंग कहूं, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, मैग्नीशियम बॉडी के अंदर आता है ये, राइट। बैक साइड भी आप देखेंगे वेंट दे रखे हैं, रबड़ है। जो इसकी स्लीक है, स्लीकनेस आप देखेंगे, बहुत ही स्लीक लैपटॉप एचपी ने बनाया है, बहुत लाइट वेट है। और मैं इसकी खासियत और बताऊं कि अगर हम इसको ओपन करते हैं, ये एक हाथ से ओपन हो जाता है। नॉर्मली लैपटॉप एक हाथ से ओपन नहीं होते, लेकिन ये लैपटॉप एक हाथ से आप ओपन कर सकते हो। दोस्तों, बात करते हैं लैपटॉप की पोर्ट की। लेफ्ट साइड पे कौन कौन से पोर्ट है, सबसे पहला आता है आपका चार्जिंग जैक लैपटॉप को चार्ज करने के लिए, और साथ में आपको मिलता है सुपर स्पीड यूएसबी आपके डाटा ट्रांसफर के लिए, या कोई भी आपका इनपुट डिवाइस कनेक्ट करने के लिए, प्रिंटर या कीबोर्ड माउस आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ देखते हैं एचपी ने इस मॉडल में कौन कौन से पोर्ट दिए हैं। सबसे पहले देखते हैं एचडीएमआई पोर्ट, आपका एचडीएमआई से आप कनेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्टर या एलईडी टीवी, आप एलईडी मॉनिटर कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है एक एसएस यूएसबी आपके डाटा ट्रांसफर या प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए। फिर आपको मिलता है टाइप सी पोर्ट, आप लैपटॉप इससे चार्ज भी कर सकते हैं और फास्ट डाटा ट्रांसफर भी आप इससे कर सकते हैं। और साथ ही आपको मिलता है एक 3.5 mm का ऑडियो जैक आपके स्पीकर और हेडफोन कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आता है हमारा सीपीयू, इसमें है एमडी राइजन 7 7000 सीरीज 7735U विद रेडियन ग्राफिक्स। देखिए, इसकी बेस स्पीड है 2.7 GHz, लेकिन टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है तो ये बूस्ट अप होके 4.75 GHz तक जाता है। और मैं आपको बताता हूं, ये 6 nm का प्रोसेसर है एमडी का। नॉर्मली जो इससे पहले 5000 सीरीज में आ रहा था वो 7 nm का था, और 7000 सीरीज में आपका 6 nm का है। बात करेंगे फिजिकल कोर की, तो 8 इसमें फिजिकल कोर आपको मिलते हैं। तो अगर हम मल्टीटास्क की बात कर रहे हैं तो ये लैपटॉप में मल्टीटास्किंग आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं, 8 फिजिकल कोर है। और हम थ्रेड्स की बात करेंगे तो 16 जो है इसमें लॉजिकल प्रोसेसर है, तो मल्टीटास्किंग आप इसमें बहुत इजीली कर सकते हैं। L3 की कैशे की बात करेंगे तो 16 MB की इसमें L3 कैशे है। मेमोरी की बात करते हैं, 16 GB रैम है इसके अंदर,
और स्पीड देखेंगे 64 मेगाहर्ट्ज की इसकी स्पीड है, और जो इसमें है वो LPDDR5 मेमोरी इसमें लगी हुई है। स्लॉट 4 दिखा रहा है, चारों ही यूजेबल दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं इसके अंदर ऑनबोर्ड रैम है, इसमें चार चिप लगी हुई है 4-4 GB की, जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। जब मैं लैपटॉप ओपन करूंगा तो आपको वो भी मैं दिखा दूंगा। बात करते हैं हार्ड डिस्क की, इंटेल की SSD लगी हुई है 1 TB की इसमें, जिसकी कैपेसिटी आपको मिलती है 954 GB। वाईफाई की बात करते हैं, वाईफाई 6 आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप 5G राउटर लगाएंगे तो स्पीड की आपको इसमें कोई कमी नहीं होगी। जीपीयू देखते हैं, AMD Radeon ग्राफिक्स है इसमें, डेडिकेटेड ग्राफिक्स आपको मिलता है 512 MB का, और शेयर्ड जीपीयू है 7.6 GB, तो आपको टोटल मिल जाता है 8.1 GB। देखिए डेडिकेटेड ग्राफिक्स हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है, तो इसमें जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स है 512 MB का इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स आपको मिलता है, जिसकी सहायता से आप जो गेम्स होती हैं और थोड़ा बहुत आप जैसे हम एडिटिंग कहेंगे वो आप काम ग्राफिक्स का कर सकते हैं। तो दोस्तों समय आ गया है लैपटॉप को फिजिकली ओपन करने का, दिखाते हैं आपको इसके अंदर के पार्ट्स कहाँ कहाँ क्या क्या लगे हुए हैं। तो दोस्तों देखते हैं लैपटॉप में कहाँ पे क्या क्या दे रखा है। यहां लैपटॉप का प्रोसेसर है, बेसिकली ये मदरबोर्ड है आपको जो दिख रहा है, ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर हीट सिंक से कनेक्टेड है आपका, फैन ये रहा, ये आप देख रहे हैं ये SSD है, ये आप अपग्रेड कर सकते हैं लेकिन इसको हटा के ही आप लगा पाएंगे दूसरी, आप अलग से कोई भी SSD इसमें नहीं लगा सकते। देखिए इसमें दोस्तों मेन बात है इसकी, अगर हम बात करेंगे रैम की, रैम आपको बताया था 16 GB ऑन बोर्ड है, 4 RAM है इसमें, एक ये लगी हुई है 1, 2, 3, 4, यहां पे एक रैम है जो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, इसमें टोटल मिला के 4 RAM है 4-4 GB की, तो आपकी टोटल 16 GB रैम हो गई, ये आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 2 स्पीकर्स दे रखे हैं, आप देखेंगे ये 2 स्पीकर्स हैं, बैटरी है 3 सेल की बैटरी है 43 वर्क आवर्स के साथ आपको मिलती है बैटरी बैकअप, आपको इजिली इसमें 8-9 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया HP का न्यू एरो राइजन 7 7000 सीरीज में, पहले 5000 सीरीज में आता था, रिसेंटली ही HP ने AMD में राइजन 7 7000 सीरीज के अंदर लॉन्च किया है। AMD ने भी अभी 7000 सीरीज रिसेंटली ही लॉन्च करी है, और HP अपने सबसे पहले 7000 सीरीज अपने एरो मॉडल में लेके आया है। ये वर्ल्ड का लाइटेस्ट लैपटॉप होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 970 ग्राम का सिर्फ ये लैपटॉप है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन इसको यूज में ले सकता है। देखिए सबसे पहली बात ये लाइट वेट है, तो जो भी पर्सन एक्स्ट्रा बैग कैरी नहीं करना चाहते, जो आप अपना हैंड बैग यूज कर रहे हैं, फाइल बैग है, आप इस लैपटॉप को उसी में रख सकते हैं, इतना लाइट वेट है ये, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा बैग कैरी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको वर्किंग के करूंगा तो ऐसा कोई वर्क नहीं है, अगर हम हैवी गेमिंग छोड़ दें, हैवी ग्राफिक्स छोड़ दें, एडिटिंग 3D Max इस काम को छोड़ दें तो इसमें मोस्टली सारे काम आप कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, अकाउंटिंग, आप इसमें जो भी करना चाहें अपने प्रोजेक्ट वर्क, बेसिक गेमिंग्स भी कर सकते हैं, बेसिक ग्राफिक्स का काम भी कर सकते हैं। गेमिंग इसमें आप करेंगे लेकिन बहुत ज्यादा देर तक गेमिंग करेंगे तो वो हीट हो जाएगा लैपटॉप, क्योंकि इतना अच्छा हीटिंग सिस्टम नहीं है जो गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर आता है। दोस्तों बात करी हमने अपग्रेडेशन की, तो जैसा कि हमने देखा इसमें 4-4 GB की 4 RAM लगी हुई थी, 16 GB इसमें टोटल रैम आती है जो आप अपग्रेड नहीं कर सकते, ऑन बोर्ड रैम है, LPDDR5 रैम है 6400 MHz की। देखिए दोस्तों इसका फायदा बहुत होता है, जब भी आपको ऑनबोर्ड रैम मिलती है तो परफॉर्मेंस उसकी काफी इंक्रीज हो जाती है। आप इसमें सिर्फ एक ही अपडेट कर सकते हैं कि पार्ट्स को, वो है SSD 512 GB लगी भी, आप उसको 1 TB या 2 TB तक लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा, जो पहले SSD ऑलरेडी लगी हुई है उसको रिमूव करेंगे तभी आप दूसरी लगा सकते हैं। ओवरऑल रिव्यू की बात करूं इसकी, तो ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा है, स्पीड जबरदस्त है, परफॉर्मेंस इसकी जबरदस्त है, लाइट वेट है, तो मेरी तरफ से इसको फुल मार्क्स मिलते हैं। और अगर मैं इसकी प्राइस की भी बात करूंगा तो मार्केट में इसको आप ले सकते हैं नॉर्मली 80,000 के अप्रोक्स आपको ये लैपटॉप मार्केट में मिल जाएगा। कुछ HP वर्ल्ड के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां पे विजिट करके टच एंड फील करके लैपटॉप को ले सकते हैं। HP इसके साथ 1 ईयर ऑन साइट की वारंटी देता है, हाँ टाइम टू टाइम वो अपग्रेड करने की HP ऑफर देता रहता है, वहां पे सेल्स पर्सन से जरूर पूछिएगा कि अगर मैंने वारंटी अपग्रेड करनी है तो आप कितने उसके एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है, कभी बैक टू स्कूल ऑफर आते, कभी बैक टू कॉलेज, कभी फेस्टिवल ऑफर के टाइम वो अलग अलग होता है। और हाँ HP इसमें 3 ईयर एक्सीडेंटल
डैमेज प्रोटेक्शन की भी ऑफर देता है, वो भी सेल्स पर्सन से पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद इस लैपटॉप के बारे में आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हो तो हमें कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। और हाँ, जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, जिन्होंने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे यही कहूंगा हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे क्या होगा कि आगे हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।